हेलो माय स्टूडेंट, ये वेक्टर अलजेब्रा से जुड़ा हुआ ये तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं और ये भी फॉर जेई एडवांस 2022 के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप लोग एक मिनट के लिए ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ओके ठीक है, देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। लिखा हुआ है कि लैम्डा का वैल्यू आप निकालिए जिससे कि जो तीन वेक्टर्स है, मान लिया इसको पूरा को वेक्टर ए, इसको मान लिए वेक्टर बी, इसको मान लिए वेक्टर सी, और बोल रहा है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। सीधा याद रखिए, जब कभी भी तीन वेक्टर्स एक प्लेन में होता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, इसीलिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का कॉन्सेप्ट में है कि इसको जैसे ही ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको सी लिखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बी सी और बॉक्स में आ जाएगा। जहां ए कौन है, ये पहला वाला वेक्टर्स है, बी कौन है, ए वाला है, सी कौन है, ए वाला हो गया। मतलब हम इसको मान ले रहे हैं पूरे को सी, इसको मान ले रहे हैं बी और इसको मान ले रहे हैं ए। तो तीन वेक्टर्स है ए बी सी, कोप्लेनर है, तो बस ए बी सी का कोप्लेनर होकर के ये कंडीशंस होता है जब कभी भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो। और इसी कंसेप्ट से जब इसके अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका तीन कंपोनेंट्स है, कौन कौन है, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका आएगा b1i b2j b3k, इसका आएगा c1i c2j c3k। यहां पर a1 a2 a3 ये हो गया, b1 b2 b3 ये हो गया, c1 c2 c3 ये हो गया। तो उस कंसेप्ट से इसके जो पार्ट है वो क्या लिखाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में लिखाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 और थर्ड में लिखाएगा 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, लैम्डा निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व भी कर दे रहे हैं, तो आप एक तो फर्स्ट रो से भी एक्सटेंड करके बना सकते हैं, और दूसरा तरीका होगा कुछ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फर्स्ट रो को सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो क्या होगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर विद माइनस साइन, ये सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर्स और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से 0। फिर उसी तरह सेकंड और थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और यहां भी हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये वाला ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अब इसके बाद का स्टेप में क्या होगा, इसमें 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, यहां भी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो जब दोनों को बाहर कर देंगे तो इसके बाद का स्टेप हम इधर दिखा दे रहे हैं। ऐसा ऐसा दो बार आया तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर होल स्क्वायर में अलग कर दिए, यहां बच गया माइनस 1 1 0, फिर हो गया 0 1, ये हो गया फिर 1, फिर यहां पर आ गया 1 फिर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर।
या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा। ये जीरो होने से तो जान ही रहे कि लैम्डा अगर कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा होता है नॉन निगेटिव, मतलब आइदर जीरो और पॉजिटिव। तो इसलिए ये कभी भी इसका आंसर जीरो नहीं हो सकता। वन प्लस लैम्डा स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा लैम्डा। इसीलिए इसको डिलीट कर दीजिए, तो इसको ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे किसी भी तरह से, या तो फर्स्ट रो से सॉल्व करें या सेकेंड रो से या थर्ड रो से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, और ये जैसे हटा देंगे इसको तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस वन। फिर इससे आएगा तो माइनस वन, ये कॉलम रो हटा देंगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा जीरो माइनस वन। फिर यहाँ पर तो ये जीरो है और इसको हटा देंगे तो फाइनली जीरो ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ रहा है प्लस वन, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये है जीरो। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा स्क्वायर तो कहीं पर साइन रॉन्ग हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक्स हुआ है। तो यहाँ पर ये लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए हैं और यहाँ पर माइनस साइन छोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो, या माइनस साइन आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर वो माइनस साइन आ गया। और जैसे इसको फर्स्ट से एक्सपेंड किए थे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से लैम्डा स्क्वायर, और अब ये माइनस लैम्डा स्क्वायर्स आ गया, और उसके बाद का तो कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये माइनस वन आया मतलब क्या हुआ, जब इसको इसको हटा देंगे तो ये आ गया माइनस वन बाहर में, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, फिर ये वन लिखे हैं माइनस वन, इसको हटाए इसको हटाए तो ये आ गया जीरो माइनस वन, और फिर ये जीरो है तो ठीक ही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस वन और ये प्लस वन, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू टू, और लैम्डा का आंसर निकल रहा है प्लस माइनस रूट टू। इसका मतलब दो आंसर सही है, टू आंसर्स, क्योंकि पूछ रहा हाउ मेनी आंसर्स, तो इस तरह से हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसी कंटिन्यूटी में और आगे भी क्वेश्चन देते रहेंगे और इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे। ओके, सी यू।